अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है। तो चलिए आज इसी बुद्धिमान व्यक्ति के अनमोल विचारों को सुनते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। सफल होने के लिए नहीं बल्कि मूल्यवान बनने के लिए प्रयास करें। मैं सभी से एक ही तरह से बात करता हूँ, चाहे वह कचरा आदमी हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष ही क्यों ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद नहीं करना है। जिज्ञासा के अपने खुद के कारण होते हैं। मैं एक बात में विश्वास करता हूँ कि केवल दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही जीने योग्य जीवन है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की ना, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कोशिश करें कि आप सफल व्यक्ति ना बने बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने का प्रयास करें। मुझमें कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, मुझे केवल जुनून की हद तक उत्सुकता है। भूतकाल से सीखें, वर्तमान में जिएं और भविष्य की आशा करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल पूछना कभी बंद नहीं करें। बस प्रकृति में गहराई से देखें और तब आप सब कुछ बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सभी धर्म, कला और विज्ञान एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरी फल और एक वायलिन। एक आदमी को खुश रहने के लिए और भला क्या चाहिए। वह जो अब आश्चर्य करने के लिए रुक नहीं सकता है और विस्मय में खड़ा हो सकता है, वह मृत के समान अच्छा है, उसकी आंखें बंद हैं। एक खुश व्यक्ति भविष्य पर बहुत अधिक ध्यान देने के लिए वर्तमान से बहुत संतुष्ट होना चाहिए। कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है लेकिन कल्पना दुनिया को घेर लेती है। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते हैं जो हमने उन्हें बनाते समय इस्तेमाल किया था। मैं अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से आकर्षित करने के एक कलाकार के लिए पर्याप्त हूँ। कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है लेकिन कल्पना दुनिया को घेर लेती है। सबसे खूबसूरत अनुभव जो हमारे पास हो सकता है वह रहस्यमय है। एक सवाल जो मुझे कभी कभी धुंधला कर देता है, क्या मैं पागल हूँ या दुनिया पागल है। हम थोड़े ऐसे हैं जो अपनी आँखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। मैं ऑटोमोबाइल के मानकीकरण में विश्वास करता हूँ। मैं इंसानों के मानकीकरण में विश्वास नहीं करता। एक आदमी को यह देखना चाहिए कि वह क्या है, ना कि वह जो सोचता है कि उसे ये होना चाहिए। अच्छे लोगों को हमेशा औसत दर्जे के लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है। मैं अंतर्ज्ञान और प्रेरणा में विश्वास करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं हूँ या नहीं। सामाजिक न्याय के लिए मेरे जुनून ने मुझे अक्सर लोगों के साथ संघर्ष में ला दिया है, क्योंकि किसी भी दायित्व और निर्भरता से मेरा घृणा है, जिसे मैं बिल्कुल जरूरी नहीं मानता। महानतम वैज्ञानिक भी कलाकार ही होते हैं। विज्ञान केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वातावरण में ही फल फूल सकता है।
यह मेरे लिए अंतर्ज्ञान से हुआ और संगीत उस अंतर्ज्ञान के पीछे प्रेरक शक्ति था। मेरी खोज संगीत की धारणा का परिणाम थी। मैं युद्ध के बजाय शांति दिखाऊंगा, मैं नफरत के बजाय प्यार पैदा करूंगा। सामाजिक न्याय के लिए मेरे जुनून ने मुझे अक्सर लोगों के साथ संघर्ष में ला दिया है, क्योंकि किसी भी दायित्व और निर्भरता से मेरा घृणा है, जिसे मैं बिल्कुल जरूरी नहीं मानता। एक बात मैंने अपने लंबे जीवन में सीखी है, वास्तविकता के खिलाफ मापा गया हमारा सारा विज्ञान आदिम और बच्चों जैसा है, और फिर भी यह हमारे पास सबसे कीमती चीज है। जहाँ दुनिया हमारी व्यक्तिगत आशाओं और इच्छाओं का दृश्य नहीं रह जाती है, जहाँ हम इसे स्वतंत्र प्राणियों के रूप में निहारते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, तब वहाँ हम कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो काफ़ी पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने लक्ष्य को हासिल करने में जरा भी संकोच ना करें।